हेलो गाइस, तो हम लोग आए हुए थे यहाँ पे घूमने के लिए। झूला उला झाल घाल वाल लिए है। ये दीदी देखो कितने बढ़िया मजे से झूल रही है, इतने अच्छे से। मुझे मुझको गिरा दिया था झूलते झूलते। आप दीदी मैं तेज से झूला क्यों? हां ठीक है। हां हम जा मत करने ले ले मत ताला पड़ती है ले ले पाक है। मुझको जला जल्दी। अरे तेजी में जलाना, मुझे डर लगता है। पानी की साड़ी मुंगरी है। हाँ चल धीमे जलाना। अरे बढ़िया से झूल लिया। घाला किसने है? दीपक ने घाला है। हम लोगों ने सोचा था पूरा सावन निकल जाएगा तो क्या होगा, इसलिए हम लोगों ने दूर बढ़िया आके एकदम झूला बढ़िया खेत है, एक ठो खेत है खाली। अब बढ़िया यहाँ पे एक ठो पेड़ लगा हुआ है, यहीं पे बढ़िया झूला है। थोड़ी देर झूलते हैं, इसके बाद जाएंगे हम लोग घर। ये बच्चिया है, इसकी मम्मी नहीं है। जब छोटी थी तो इसकी मम्मी छोड़ के चली गई है, पता नहीं अभी तक मिली नहीं है किसी ने। मुझे लगता है इसकी मम्मी को बांध लिया है और इसको भैंस का दूध पिला पिला के यहाँ पे मोहल्ले में उन्हीं की पड़िया है बच्चिया, तो उन्हीं ने पाला है भैंस का दूध पिला पिला के। अभी इतनी बड़ी हो गई है, अब इतनी इसकी आदत ख़राब हो गई है कि चारा नहीं खा रही है। चारा खाती है लेकिन जब हाथों से खिलाओगे तब हल्का फुल्का खाएगी, नहीं वरना ज़्यादा नहीं खाती है। अभी आई है रोटी खाने के लिए, सवेरे रोटी खिलाई थी आई थी और अभी कह रही है फिर रोटी दो, अभी रोटी खिलाएंगे। इसके बेचारी की किल्ली उल्ली बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं और खाती नहीं है, तो ये हड्डी वड्डी बहुत ज़्यादा निकल आई हैं इसके। देखिए बहुत ज़्यादा पतली दुबली है और खिलाते तो खाती नहीं है। हम सोच रहे हैं अपने हाथों से चारा वारा खिलाते तो चारा नहीं खा रही है, पानी सोच रहे पिलाए थे तो पानी तक नहीं पी रही है, इतनी वो है। और कह रहे चारा वारा जैसे चुन ले थोड़ा बहुत तो सही रहे, थोड़ा सा सेहत और बन जाएगी, लेकिन न चारा भी नहीं चुनती है। ए, चारा चुन लिया का? चारा तक नहीं चुनती है, यहीं पे आ जाएगी। सवेरे से है खड़ी है, जाने का नाम ही लेती है। वो खिलाती है भाभी लोग, मतलब भाभी है मोहल्ले में, तो उन्हीं वही कहती है कि जब तक हाथ से ना खिलाओ तब तक खाती नहीं है। अब भूसा उसा पता नहीं खाती होगी तो नहीं, न जाने छोड़ देती है सवेरे से तो निकल जाती है। अब देखो घूम के आई है वहाँ से, छोटी छोटी बच्चियाँ काफ़ी सारी थी तो उनके साथ गई थी घूमने। अब चर वर के आई होगी, थोड़ी बहुत चर लेती है, अभी जाएगी तो घर जाएगी है, तो शाम के भाभी फिर बांध लेंगी इसको घर में। ऐसा ही है ये देखिए, ये अब अंदर आके खड़ी हो गई है, जा नहीं रही है यहीं पे। ये अब वो आ रही है, सोच रही है शायद यहीं बांध ले अब मुझे। छोड़ के चली गई बिचारी की, किसी ने बांध लिया है, बांध लिया बिचारी चुनुवादी है, न खा पाती न कुछ। अभी इसका छोटी है बिचारी, ये देखिए कैसे पास में आ रही है एकदम। बच्ची है बिचारी, हाथ तक नहीं पाती, हाथों से हाथ तक नहीं पाती बिचारी, हाथों से खिलाना पड़ता है इसको। कोई कोई इंसान बहुत गद्दार होता है, दूध खा खातिर बिचारी की महतारी बांध ली। नहीं लोगों को बांधना ना चाहिए ना, गलत बात है बिचारी। देखो इतना छोटी सी है, शर्म नहीं आती है, जिसने भी बांधा रो तक रही है, आंसू तक बह रहे हैं। देखो देखिए क्या आंसू कैसे बह रहे हैं, है? लेकिन लोगों को सोचना चाहिए बिचारी अपनी मम्मी का, जिसके पास है उसकी गैया, उसकी माँ उस छोड़ दीजिए तो वो अपने बच्चे के पास आ जाएगी, तो आप लोग छोड़ दीजिए उससे कृपा करके, तो अपने माँ के पास आ जाए, अपने बच्चे के पास आ जाए उसकी माता। जाए भगवान कृपा कर दे, पानी भरत दे।
ये अम्मा ने चना फुला दिए हैं, चना फुला के रख दिए हैं। अभी दीपक ने बस खाया, अभी किसी ने नहीं खाया। क्या हो गया? खाओ आलू, देखो चना वाना फुला दिया। अब जा रही हूँ, खा लूँ थोड़ा सा, खाने के बाद जाती हूँ। पानी पूरा भरने को पड़ा है, अभी पानी नहीं भरा है, जाती हूँ। हैंड पंप बहुत टाइट है हमारा। कोयली कोयली और कुछ काम नहीं करती है, बस घूमती रहती है। और देख ये देखो, ये ऐसे पता नहीं ये ऐसे क्यों किया करती है, पागल हो जाती है क्या? और नहाती ना धोती है, नहाया आया आए ना भैया, सुबेरे से खा लेगी, खावा के बस ऐसे बैठ जाएगी। मैं जा रही हूँ, मुझे काम करना है। दीदी खाना वाना बना रही है ऊपर, मैं जाती हूँ करती हूँ, तो ना फिर देर हो जाएगी मुझको। अभी नहा वहा के आए हैं, पूजा उजा करना है। ये कृष्णा का ट्रैक्टर है, कृष्णा का ट्रैक्टर है ये, उसने बनाया था आसिफ ने, और चला भी लेता है कृष्णा, इसको चलाता रहे, खेलता रहता है इसमें, इस ट्रैक्टर में। देखिए कितने अच्छे से ट्रैक्टर कृष्णा का बनाया है, इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं, और मोड़ने के बाद चलाते हैं। और ये दीपक ने वो बनाया है, शंकर जी, आप लोग शंकर जी के दर्शन कर लीजिए, ये उसके लिए बनाया है दीपक ने, तो शंकर जी के। और लेकिन दीपक को देखिए कितना अच्छे से एकदम साफ सुथरे से, मतलब चिकना उकना करके बढ़िया बनाया है। और इसमें दीपक कह रहा था कि अभी मैं कलर भी करूँगा लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एकदम छोटे से प्यारे से। तो अभी इसमें मैं देखो इसको धूप में रख दूँगी, थोड़ा चटक गया है, तो इसमें हल्की सी वो माटी लगा देंगे यहाँ पे, तो वही वैसे ही हो जाएगा एकदम। ये हो गए शंकर जी। और अभी दीपक ने और भी कुछ बनाया हुआ है, ये देखिए कछुआ, कछुआ बनाया हुआ, कछुआ शुभ माना जाता है, तो दीपक ने कहा बना के रखता हूँ। और इसमें भी अच्छा सा सुंदर से कछुआ आए, हाँ वो क्या है ना, इसमें उसने रखा था दीपक ने पत्थर में बना के, तो इसके पैर हट गए, मतलब टूट गए इसके पैर। अब इसके पैर भी दोबारा बनाएगा दीपक, और क्या कहते हैं कि इसमें कलर देखो वही वाला कछुआ जैसे होता है वैसे ही कलर बनाएगा, भरेगा इसमें एकदम सुंदर सा, वैसे ही रियल वाला कछुआ लगेगा। और ये पता नहीं क्या है, लड्डू, लड्डू है, लड्डू नहीं है वो है, टेबल है बनाया है लगता है बैठने के लिए। ये ट्रैक्टर कृष्णा का, अभी आएगा कृष्णा तो कह देगा कि मेरा ट्रैक्टर ट्रैक्टर बर्बाद, छूने नहीं देता कभी भी अपना कुछ भी सामान। जा रही हूँ पानी भर लूँ, नहीं तो ना फिर काफ़ी लोग, ये हैंड पंप बहुत टाइट है, सब लोग ढोंकते हैं तभी ढीला नहीं होता है, नल अभी इतना टाइट का है, बना कम से कम 3-4 बार हैंड पंप बना है तभी ढीला नहीं हुआ है। हम लोग अभी मुझे 4 बाल्टा पानी भरना है, 4 बाल्टा मैं भरूंगी, इसके बाद फिर दीदी आएगी, दीदी ढोंकेगी, क्योंकि एक लोगों की बस का तो है नहीं है इतना टाइट हैंड पंप। और यहाँ पे एक तो कच्ची रोड है, कच्ची रोड के अलावा ऊपर से पाइप लाइन नहीं है यहाँ, देखो कैसे गिलावा भरा रहता है, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। और अभी 1 ग्राम पानी रोज का लगता है, और मैं ही अकेले नहीं भर पाती हूँ, सब लोग मिल के घर में जब भरते हैं सब लोग, तब जाके 1 ग्राम पानी भरता है। और ऊपर से वो भी 4 बाल्टी भी भर के रखने पड़ते हैं, तब भी है उसमें भी भर। और गोलू कृष्णा है तो खूब पानी और काटते हैं, जानते नहीं है कि ऐसा हटाई हैंड पंप में तो धोखना पड़ जाएगा। और गोलू का तो धोखो थोड़ी से तो वो धोखता नहीं, देख लो अरे पानी बहने लगा, मैं भी ना। और कृष्णा कृष्णा जाएगा जब भी, कहाँ चल कहाँ बने छोड़ दिया, हट जाने दे, फिर मुझे पूछना नहीं है तू देख। और ये चुनी एक भी पानी नहीं धोखती है, और मैं थक गई हूँ, धोखते धोखते इतनी हाथी आने लगी है कि कुछ करने को नहीं। अभी जितना ही मैं धोखने में हाथी आने लगी तो आगे कितना धोखना। पानी भर गया है, अब जा रही हूँ टप में उड़ेलने, और इतनी जोर से थक गई हूँ हाथ पाँव इतने जोर, तो धोखना बना रही खाना तो बना कि एक मुश्किल
धोखता है लोग। मैंने तो भर लिया है, मैं जा रही टंकी बोड़े ले। अरे तो शेरे चक्कर से हार लागत की जाऊंगी। एक ड्रम भर दिए, ये तब इतना भर दिया है, अभी बकाया है भरने के लिए।